सो ये है Realme 9i एंड ये है Redmi Note 11। यहाँ पर Realme 9i का प्राइस है 14K, वही मैं बात करूँ Redmi Note 11 का तो वो 13,500 का आपको मिल जाएगा। गाइज यहाँ पर ये दोनों ही फोन्स मैंने खुद खरीदे हैं, तो यहाँ पर जो आपको टेस्ट देखने को मिलेगा वो बिल्कुल फेयर मिल जाएगा। फोन्स को यहाँ पर मैंने बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से यूज कर लिया है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपके लिए कौन सा डिवाइस ज्यादा सही रहेगा। तो एक काम करते हैं, मैं इनका इनडेप्थ कंपेरिजन स्टार्ट करता हूँ, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। गाइज यहाँ पर बिना टाइम वेस्ट करे सबसे पहले परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। दोनों ही फोन्स में आपको सेम प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा, स्नैपड्रैगन 680। गाइज यहाँ पर ये प्रोसेसर 6 नैनोमीटर पर बेस्ड है एंड दोनों ही फोन्स आपको 4G देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर जो मेरे पास दोनों वेरिएंट है, दोनों ही वेरिएंट में आपको 4GB की रैम मिल जाएगी LPDDR4X। वहीं मैं अगर बात करूँ स्टोरेज टाइप की, तो Redmi Note 11 में आपको UFS 2.2 मिलती है एंड Realme 9i में आपको UFS 2.1 मिल जाएगी। आपको इसका फर्क आने वाले टेस्ट के रिजल्ट में पता चल जाएगा। ये तो हो गई हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन। रियल लाइफ टेस्ट की बात करें तो यहाँ पर मैंने मल्टीटास्किंग भी करी है, ऐप ओपनिंग टेस्ट भी करा है एंड काफी अच्छी तरीके से आपको बताया कि कौन सा फोन फास्ट है एंड कौन सा फोन स्लो है। तो आप ये वाला टेस्ट देखिए। गाइस यहाँ पर स्पीड टेस्ट करने से पहले मैंने कुछ सॉफ्टवेयर टेस्ट करे, हैव अ लुक। Realme 9i का OnTuTu ज्यादा है कम्पेयर टू Redmi Note 11, वहीं मेमोरी स्पीड जो है वो Redmi Note 11 की ज्यादा आपको बेटर देखने के लिए मिल जाएगी। Geekbench स्कोर फॉर सिंगल कोर एज वेल एज मल्टी कोर आपको Realme 9i का ज्यादा मिल जाएगा कम्पेयर टू Redmi Note 11। लास्ट में CPU थ्रॉटलिंग की बात करें तो Redmi Note 11 ने अच्छा परफॉर्म करा है। Redmi Note 11 ने 92%, वहीं Realme 9i ने 86%। गाइज यहाँ पर मैंने दोनों ही फोन्स को सेम वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट करके रखा है। यहाँ पर हम सबसे पहले ऐप ओपनिंग टेस्ट कर देख लेते हैं। गाइज यहाँ पर जो इंस्टाग्राम है वो Redmi Note 11 में जल्दी ओपन हो जाता है, ट्विटर Realme 9i में जल्दी हो जाता है, वहीं मैं अगर बात करूं प्ले स्टोर की तो Redmi Note 11 में जल्दी ओपन हो जाता है एंड एप्लीकेशन भी Redmi Note 11 में जल्दी डाउनलोड हो जाती है। गाइज यहां पर YouTube भी Redmi Note 11 में लोड हुआ है, मैंने वीडियो स्लो कर देखा था। गाइज यहां पर Facebook भी Redmi Note 11 में जल्दी ओपन हो गई। BGMI की बात करें तो Realme 9i में BGMI जल्दी ओपन हो जाता है। गाइज यहां पर अब मल्टीटास्किंग चेक कर लेते हैं कि कौन सी फोन की मेमोरी में एप्लीकेशन अभी तक है। जैसा कि आप देख सकते हैं इंस्टाग्राम Redmi Note 11 में रिलोड हो गया है, वहीं Realme 9i की मेमोरी में, ट्विटर भी रिलोड हो गया है, YouTube दोनों ही फोन्स में रिलोड हो गया है, प्ले स्टोर Realme 9i की मेमोरी में, Redmi Note 11 में रिलोड हो गया है। गाइज यहाँ पर Facebook भी रिफ्रेश हो गया है Redmi Note 11 में, वहीं अगर मैं बात करूँ PUBG की तो वो भी Redmi Note 11 में रिलोड हो गया है। गाइज यहाँ पर जब मैंने Redmi Note 11 का फुल इन डेप्थ रिव्यू बनाया था, जब भी मैंने आपको बताया था कि Redmi Note 11 में मल्टीटास्किंग में इंप्रूवमेंट की जरूरत है, अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वाला वीडियो जाकर देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं वीडियो रेंडरिंग टेस्ट की। मैंने दोनों ही फोन्स में सेम वीडियो को इंपोर्ट करा काइनमास्टर में, उनको सेम साइज में रखा एंड जब मैंने उसको एक्सपोर्ट करा तो Redmi Note 11 में कुछ सेकंड पहले इंपोर्ट हो जाती है। गाइस यहां पर मेरे ओवरऑल फाइनल वर्डिक्ट की बात करूं तो परफॉर्मेंस Redmi Note 11 की हल्की सी बेटर है कंपेयर टू Realme 9i, लेकिन Realme 9i की जो मल्टीटास्किंग है वो आपको थोड़ी सी अच्छी देखने के लिए मिल जाएगी। मेरे हिसाब से दोनों की परफॉर्मेंस लगभग सेम है क्योंकि हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन दोनों ही फोन्स की एक जैसी है, बस इन दोनों फोन्स का जो सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन जिस तरीके से करा गया है वही मैटर करता है। सॉफ्टवेयर की बात करें तो दोनों ही फोन्स एंड्रॉइड 11 पर आते हैं आउट ऑफ द बॉक्स। Redmi Note 11 में आपको MIUI 13 मिल जाएगा, वहीं Realme में आपको Android 11 बेस्ड Realme 2.0 देखने को मिल जाएगा। दोनों ही फोन्स यहां पर 4G वोल्टी हैं एंड यहां पर दोनों ही फोन्स में आपको Google डायलर भाई साहब देखने को मिल जाएंगे, अगर आप किसी की भी रिकॉर्डिंग करेंगे तो सामने वाले को पता चल जाएगा। वहीं मैं अगर बात करूं गेमिंग की तो Redmi Note 11 एंड Realme 9i की दोनों की गेमिंग परफॉर्मेंस में मुझे ज्यादा मजा नहीं आया। यहां पर जो ग्राफिक सेटिंग है वो भी सेम है, लेकिन बहुत सारे आपको फ्रेम ड्रॉप्स, ग्लिचेस ये सब देखने को मिल जाएंगे। गाइज ये दोनों ही फोन्स गेमिंग के लिए नहीं बने, इसमें आप नॉर्मल जैसे कि टेंपल रन, सबवे सर्फर, लिम्बो जैसे छोटे छोटे गेम आप इसमें खेल सकते हैं। बाकी अगर फिर भी आप चाहते हैं कि इन डिटेल में गेमिंग टेस्ट करूं तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। नाउ इट्स टाइम फॉर कैमरा। गाइज यहां पर Redmi Note 11 में आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिल जाएगा, वहीं Realme 9i में आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है। दोनों ही फोन्स के रियर कैमरा स्पेसिफिकेशन बिल्कुल सेम है, बस Redmi Note 11 में आपको 8 मेगापिक्सल का f2.2 अपर्चर के साथ एक एक्स्ट्रा अल्ट्रा वाइड कैमरा देखने को मिल जाएगा। दोनों ही फोन्स का प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल का है f1.8 अपर्चर के साथ एंड दोनों ही फोन्स में आपको 2 मेगापिक्सल का डेप्थ एंड 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा मिल जाएगा f2.4 अपर्चर के साथ। गाइस यहां पर कैमरा सेंसर सेम है लेकिन रिजल्ट में आपको फर्क देखने को मिल जाएगा क्योंकि दोनों ही फोन्स की जो कलर साइंस है वो अलग है। मैंने यहां पर बहुत से शॉट्स लिए हैं, हैव अ लुक। यहां पर पोर्ट्रेट शॉट्स की बात करें तो Realme थोड़ा गोरा फोटो क्लिक करता है, वहीं Redmi Note 11 थोड़े डार्क फोटो क्लिक करता है। यहां पर डिटेल्स
ज्यादा आपको Redmi Note 11 में मिल जाएगी, पर फोटो सोशल मीडिया रेडी आपको Realme 9 का लगेगा। आप Redmi Note 11 के फोटो को एडिट करके थोड़ा सा लाइट या फेयर कर सकते हैं। प्राइस के हिसाब से दोनों ही फोन्स की जो पोर्ट्रेट की एज डिटेक्शन है वो बिल्कुल सेम है। नॉर्मल फोटोज में भी आपको सेम सिचुएशन देखने को मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पर Redmi Note 11 में आपको अल्ट्रा वाइड का एडवांटेज मिल जाता है, जिससे आप ऐसे फोटो क्लिक कर पाएंगे। ग्रुप फोटोज में काफी ज्यादा काम आता है अल्ट्रा वाइड। नेचुरल नेचर फोटोज में Redmi Note 11 ज्यादा सही परफॉर्म करता है, जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हैं। Realme में कलर थोड़े फेडेड हो गए, वहीं Redmi में कलर थोड़े डार्क हैं एंड अट्रैक्टिव लग रहे हैं। मैक्रो शॉट्स भी लगभग सेम है, लेकिन 2 मेगापिक्सल का मैक्रो इतनी अच्छी डिटेल्स नहीं दे पाता है जितना 5 मेगापिक्सल का मैक्रो देता है, जो कि आपको Redmi Note 10 Pro में मिल जाता है। सेल्फी की बात करें तो दोनों ही फोन्स में पंच होल में सेल्फी आपको मिल जाएगी। Redmi Note 11 में 13 मेगापिक्सल की है, वहीं Realme 9i में 16 मेगापिक्सल की है, लेकिन यहाँ पर रिजल्ट लगभग सेम है। सो ओवरऑल मेरे हिसाब से Redmi Note 11 का कैमरा ज्यादा बेटर है बिकॉज ऑफ अल्ट्रा वाइड एक्स्ट्रा सेंसर एंड गुड कलर साइंस। वीडियो की बात करें तो दोनों ही फोन्स में मैक्स आप 1080p पे 30fps शूट कर पाएंगे। मेरे पास जो वीडियो सैंपल था वो कहीं मिस हो गया एंड मैंने फोन सेल कर दिया, उसके लिए सॉरी, लेकिन दोनों की क्वालिटी स्टेबलाइजेशन बिल्कुल सेम है। टेस्ट करते टाइम मैंने ये नोटिस करा था। गाइज यहाँ पर अब बात कर लेते हैं बैटरी की। तो दोनों ही फोन्स में आपको 5000mAh की मैसिव बैटरी देखने को मिल जाएगी एंड यहाँ पर जो चार्जर इनबॉक्स आता है दोनों ही फोनों में आपको 33 वॉट का मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर चार्जिंग टाइम में थोड़ा डिफरेंस है। Realme 9i चार्ज होता है 1 आवर 28 मिनट, वहीं मैं अगर बात करूं Redmi Note 11 1 आवर 16 मिनट में चार्ज हो जाता है, तो यहाँ पर कुछ 5 से 6 मिनट ज्यादा ले लेता है Realme 9i। वहीं मैं अगर बात करूं बैटरी ड्रेनिंग की तो Redmi Note 11 इजीली बीट कर देता है Realme 9i को, क्योंकि Realme 9i में जब आप कैमरा यूज करते हैं तो बैटरी काफी ज्यादा कंज्यूम होने लगती है। गाइस दोनों ही फोन्स YouTube शॉर्ट्स, कैमरा, Instagram, BGMI यूज करने के बाद ये रिजल्ट निकल कर आता है कि 10 आवर्स 18 मिनट तक Redmi Note 11 चल जाता है। वहीं मैं अगर बात करूं Realme 9i की 8 आवर 29 मिनट्स Realme 9i चल जाता है। तो क्लियरली Redmi Note 11 ज्यादा बैटरी एफिशिएंट है कंपेयर टू Realme 9i। अगर आपका काम बैटरी का ज्यादा है तो आई विल सजेस्ट कि आप Redmi Note 11 के साथ जाएं। गाइस यहां पर अब बात कर लेते हैं डिस्प्ले की। Redmi Note 11 में आपको 6.43 इंच का फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले मिल जाता है 90 हर्ट्ज के साथ। वहीं Realme 9i में आपको 6.6 इंच का फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले मिलता है 90 हर्ट्ज के साथ। ऑब्वियसली Redmi Note 11 का डिस्प्ले ज्यादा शार्प है बिकॉज ऑफ AMOLED एंड यहाँ पर आपको पीक ब्राइटनेस भी 100 निट्स की मिल जाती है। वहीं Realme 9i में आपको पीक ब्राइटनेस 600 निट्स की मिलती है। आउटडोर में भी Redmi Note 11 का डिस्प्ले काफी ज्यादा शार्प दिखाई देता है। गाइस यहाँ पर ओवरऑल डिस्प्ले की बात करूं तो Redmi Note 11 का डिस्प्ले काफी ज्यादा बेहतर है। अगर आप मल्टीमीडिया भी कंज्यूम करेंगे तो भी आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है इन Redmi Note 11। डिस्प्ले प्रेफरेंस है तो आंख बंद करके Redmi Note 11 की तरफ जाएं। गाइस यहीं मैं अगर बात करूं साउंड क्वालिटी की तो दोनों ही फोन्स में आपको डुअल स्पीकर देखने को मिल जाएंगे एंड यहां पर जो साउंड क्वालिटी वो लगभग सेम है एंड मैनेजेबल है। गाइस यहां पर अब बात कर लेते हैं दोनों ही फोन्स के लुक एंड फील के बारे में। यहां पर जो दोनों ही फोन्स है वो पॉलीकार्बोनेट बैक के साथ आते हैं। फ्रेम यहां पर आपको प्लास्टिक का देखने को मिल जाएगा। इन एंड फील की बात करें तो मुझे कोई भी इशू नहीं है, दोनों ही फोन्स काफी ज्यादा कंफर्टेबल है। गाइस यहां पर Redmi Note 11 का वेट इतना है एंड Redmi 9i का वेट आपको इतना देखने को मिल जाएगा, जो कि मैनेजेबल है। दोनों ही फोन्स 4G हैं। डुअल सिम प्लस मेमोरी कार्ड का ऑप्शन आपको दोनों ही फोन्स में मिल जाएगा। Redmi Note 11 में आपको गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन मिलता है, वहीं Realme 9i में आपको ड्रैगन टेल का प्रोटेक्शन मिल जाता है। बाकी का इन हैंड फील मुझे Redmi Note 11 का ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि फोन छोटा है एंड यहाँ पर आपको बॉक्सी डिजाइन भी देखने को मिल जाता है। गाइस यहाँ पर जो लुक है वो Realme 9i का मुझे थोड़ा बेहतर लगता है, क्योंकि यहाँ पर जो कैमरा बम्प है वो थोड़ा बड़ा दिया गया, ऐसा लगता है कि आप कोई फ्लैगशिप फोन यूज कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आपको Realme 9i के बैक पैनल में एक प्रॉब्लम देखने को मिल जाएगी, काफी ज्यादा फिंगरप्रिंट मैग्नेट है। आप जरा सा हाथ लगाएंगे आपके फिंगर वहां पर दिखने लगेंगे, लेकिन Redmi Note 11 में मैट फिनिश आती तो वहां पर आपको ऐसा कोई भी इशू नहीं आएगा। लेकिन Redmi Note 11 का मैंने एक रिव्यू दिया था, इनडेप्थ रिव्यू, वहां पर मैंने हल्का सा स्क्रेच करा था तो स्क्रेच आ गया था, तो आपको दोनों ही फोन्स में कवर लगाना पड़ेगा। गाइस यहां पर Redmi Note 11 में आपको एक और एडवांटेज देखने को मिल जाएगा, IR ब्लास्टर मिलता है, उससे आप टीवी या एसी अपना कंट्रोल कर सकते हैं। वहीं मैं अगर बात करूं सिक्योरिटी की तो दोनों ही फोन्स में आपको फिंगरप्रिंट साइड माउंटेड मिलता है एंड फेस लॉक का भी सपोर्ट मिल जाता है। स्पीड की बात
बात करें तो Realme 9i जल्दी अनलॉक हो जाता है कंपेयर टू Redmi Note 11। गाइस यहां पर मेरे फाइनल कंक्लूजन की बात करूं तो Redmi Note 11 ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है, खासकर इन डिस्प्ले डिपार्टमेंट। एंड यहां पर जो बैटरी ऑप्टिमाइजेशन है वो भी Redmi Note 11 का ज्यादा बेहतर है। एंड गाइस यहां पर Redmi Note 11 आपको ऑफर के साथ 12,500 का मिल जाएगा, जो कि मेरे हिसाब से ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है। आपका क्या थॉट्स हैं इसके बारे में, आपको कौन सा डिवाइस ज्यादा बेहतर लगता है, मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बताइएगा। बाकी का इन दोनों ही फोन्स का बाइंग लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप वहां से खरीदेंगे तो आपका तो कुछ नुकसान नहीं होगा लेकिन चैनल की थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। अगर आपको मेरी ये वाली वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, यहां तक वीडियो देख लिए तो कमेंट करें 742 ताकि मुझे पता चले कि मेरे जेन्युइन सब्सक्राइबर कौन से। आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूं आपसे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन टेक केयर।